आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा, अनियंत्रित ट्रक ने कई गाड़ियों को रौंदा, अब तक 3 लोगों की मौत, करीब आधा दर्जन घायल, आधा दर्जन कार समेत कई बाइक सवार चपेट में आए, 1 किलोमीटर तक कई गाड़ियों को रौंदते हुए दौड़ा ट्रक। हादसे के बाद बाइक में लगी थी भीषण आग, कई थानों की फोर्स समेत पुलिस के अधिकारी मौके पर, थाना सिकंदरा पुलिस थाने के पास का मामला। तो ये देखिए 1 किलोमीटर तक गाड़ियों को रौंदता हुआ ये ट्रक निकला और उसके बाद किस तरह का हादसा हुआ, 3 लोगों की जान ले ली इस ट्रक ने, बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी है। तस्वीरें सामने आई हैं, ये देखिए गाड़ियों को कैसे ट्रक ये टक्कर मारता हुआ आगे बढ़ता चला गया। अभी से करीब आधे घंटे पहले सूचना मिली कि थाना सिकंदरा क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे पर एक कैंटर अनियंत्रित होकर उसने कुछ वाहनों को टक्कर मारी है और फिर उसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने गुरुद्वारा कट के आगे बैरियर लगा के उसको रोकने की कोशिश की, तो बैरियर को क्षतिग्रस्त करते हुए दीवाल में जा बड़ा, जहां ड्राइवर और कैंटर दोनों को बरामद कर लिया गया है। अभी तक जो घायल थे सबको तत्काल फर्स्ट एड देते हुए SN मेडिकल कॉलेज पहुँचा दिया गया है और जो हॉस्पिटल से अभी तक सूचना आ रही है हमारे पास उसमें से 3 लोग को मृत घोषित कर दिया गया है हॉस्पिटल में, बाकी सभी का उपचार जारी है और यहाँ पर आवश्यक कार्रवाई हम सभी के द्वारा किया जा रहा है। कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, ट्रैफिक भी जैसा कि आप देख रहे हैं स्मूथ फ्लो कर रहा है और बाकी इन्वेस्टिगेशन और जो भी लीगल एस्पेक्ट्स है उसको हम कर रहे हैं। देखिए प्राइमा फैसा ये जो पकड़ा गया है ड्राइवर, ये बदहवास हालत में लग रहा है, इसकी मेडिकल जाँच कराई जा रही है और उसके बाद ही हम कंफर्म बता पाएंगे कि मेन रीज़न क्या था इसकी।